أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Respected viewers and listeners, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. जो आयत मैंने शुरू में पढ़ी है ये सूरह अल बनी इसराइल चैप्टर 17 वर्स 36 अल्लाह पाक फरमाते हैं वला तक्फु मा लैसा लका बिही इल्म कि कोई भी चीज अपनी तरफ से या सुनी सुनाई या ऐसी बात जिसका तुम्हें असर्टेन नॉलेज ना हो उसको मत कहना कभी ना कहना क्यों क्योंकि तुम्हारा जो इनसाइट है तुम्हारी साइट नजर या तुम्हारा दिल हार्ट कॉन्शियस लेवल ये तमाम चीजें क्यामत के दिन गवाही देंगी इन नस्समा वल बसरा सुनना और बसर सीना दिल इन नस्समा वल बसरा कुल्लु उलाइका काना अनहु मसूला क्यामत के दिन ये तमाम जो तुम्हारे ऑर्गन्स हैं या तुम्हारी जो इनर तहकीक के जो रेसिपियंट्स या रिसेप्टर्स लगे हुए अल्लाह पाक ने लगाए हुए हैं ये तमाम जो डेटा को लेते हैं इन्फर करते हैं ये तमाम जब इनको आपने इस्तेमाल किया दुनिया में कैसे ये तमाम क़यामत के दिन खड़े हो जाएंगे आपके खिलाफ ख़ुसूसी तौर पे आँख कान और दिल जिससे आप रीजनिंग करते हो ये तमाम चीजें क़यामत के दिन आपके खिलाफ हो जाएंगी अगर इनको बगैर तहकीक किए आपने इस्तेमाल किया इन्फर किया इंड्यूस किया और फिर इसको डिड्यूस किया और उसके बाद रिग्रेशन रिग्रेट करते रहे यह है सूरत अल बनी इसराइल चैप्टर 17 वर्स 36 जिसके अंदर अल्लाह पाक ने एक फॉर्मूला या कानून दे दिया वह है कि बाज आ जाओ हर चीज तुम्हारी जो है ये जो है ना अकाउंटेबिलिटी में क़यामत के दिन पेश होगी ये थी सूरत बनी इसराइल आज का टॉपिक क्या है आज का टॉपिक है कि कुछ इस्तलाहात जो हैं टर्मिनोलॉजीज वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा और इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स आज हमारी सोसाइटी में हम देख रहे हैं स्पेशली द स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज एटसेट्रा हु आर स्टडिंग स्पेशली साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी एट वगैरह वगैरह इस तरह के सब्जेक्ट्स और जो मेडिकल में बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं जैसे डार्विन की थ्योरी है और वगैरह वगैरह जिनसे अशकाल एक दरवाजा खुलता है स्केप्टिसिज्म का इस इन टर्मिनोलॉजीज को मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा और जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज के खास तौर पे जो इस चीज के अंदर आ चुके हुए हैं इनको इंशाल्लाह निकाला जाएगा इस लेक्चर के जरिए मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि जो बात मैं करने जा रहा हूं वो उसी तरह लोग समझें और उसकी तरफ तवज्जो दें देखें सारे मुसलमान बाय बर्थ मुस्लिम हैं क्योंकि ये एक रेशियल क्रीड बन गया है आप मुसलमान इसलिए क्योंकि आपके घर में लोग मुसलमान थे लेकिन आपने अपनी पर्सनली तौर पे क्या अल्लाह पाक से कॉन्टम्पलेट किया हर मुसलमान जो होता है मैं मानता हूं जो इंटेलेक्चुअल होता है या फिर जो सोचता है ये नहीं कि दूसरे लोग जो इंटेलेक्चुअल नहीं होते मैं एक मिसाल दे रहा हूं जो लोग ज्यादा सोचते हैं इन चीजों में घुसते हैं वो अक्सर जो है ये स्केप्टिसिज्म शक और एथीज्म का शिकार हो जाते हैं लेकिन पॉइंट ऑफ नोशन क्या है कि अगर उनके पास एक हाथ उनको एक सही गाइडेंस उस क्रिटिकल जंक्चर में मिल जाए तो वो इंशाल्लाह उससे आगे नहीं जाते इंसान तब आगे जाता है जब कोई गाइडेंस नहीं मिलती और वो फिर इस चीज का शिकार होता है क्योंकि उसको ये नहीं पता कि कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने तमाम मसलों के और तमाम जो क्वेश्चंस इंसान की जो एक सेल्फ जो आप कह लें कि इंट्रापर्सनल्स होंगे या सेल्फ कंटेम्पलेशन के जितनी भी बातें हैं या जितने भी दायरे हैं या जितनी भी फिगमेंट्स हैं जो वो सोचता है अल्लाह पाक ने उसका जवाब दिया है कुरान में कि हम कौन हैं हम किस तरह आए हमने कहां को जाना है व्हाट इज आवर अल्टीमेट गोल दुनिया में तो गोल्स हैं लेकिन अल्टीमेट गोल क्या है ये सारा मकसद क्या है ये कायनात क्या है
हम लोग कौन है, हम क्या है, हमारी आईटी क्या है, हमारी पर्सनैलिटी क्या है, ईगो है। फिर आपको पता है कि जो साइकोलॉजिकली, मैंने एक असल में लेक्चर दिया था बहुत पहले, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाह रहा, कि जो हमारा साइकोलॉजिकल जो स्टेजेस है हमारी अपनी खुद शनासी, खुद निगरी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के जो मरहले हैं वो मैंने सारे एक्सप्लेन किए थे कि इंसान की आईडी क्या है, आईडी में वो क्या करता है, फिर उसकी ईगो आती है, उसकी एक पर्सनैलिटी है, उसका एक इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेटिव डाटा है, वो कौन है, कहां से आया, वो कहां को जाएगा, ये सारी बातें कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने फरमा दी। लेकिन होता यह है कि वो लोग इस तक रसाई नहीं कर पाते ड्यू टू देयर एनवायरमेंट, ड्यू टू देयर सोशल सर्कल, वो उस तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि नबी पाक ने फरमाया है कि अपना जो सोशल सर्कल है वो जो है नेक लोगों में रखो, उलमा में रखो, पढ़े लिखों में रखो, जिनके पास इलम है, जिनके पास एसर्टेन नॉलेज है। ये नहीं कि आपने देखा अजीब सा दोस्त बना लिया आपने, फलाने दोस्त, ये दोस्त खराब करते हैं, ये कम्युनिटी खराब करती है। जब आप इन लोगों में बैठेंगे तो जाहिर सी बात है वही सीखेंगे। इफ यू ईट जंकी फूड योर बॉडी विल बिकम जंकी, इफ यू रीड डर्टी स्टफ योर माइंड विल बिकम डर्टी। ये इंसान की फितरत है, इंसान लर्न करता है, चीजों को देखता है, लर्न्स फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। ये ऊपर से कोई नहीं आती कि दिल में बात आ रही ना, यू लर्न थिंग्स, एक्सपीरियंस करते हैं इसको, फिर इंड्यूस करते हैं, इसको डिड्यूस करते हैं, फिर नतीजा आखिज करते हैं, वगैरह वगैरह। कुछ टर्मिनोलॉजीज मैं आप लोगों को समझा दूं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि स्केप्टिसिज्म किस चिड़िया का नाम है। स्केप्टिसिज्म कहते हैं, ये एक फलसफा कह लें या एक ये आइडियोलॉजी कह लें, स्केप्टिक्स, और इसको कुरान कहता है शक, कि शक, हर चीज में शक आ जाना, ठीक है, सीम्स टू बी करेक्ट, लेकिन शक होता है, कैसे हुआ है, कैसे हुआ, हम कैसे उठाए जाएंगे, कैसे मारे जाएंगे, हम कहां से आए, इट जस्ट सीम्स टू फेड। फिर सोने पर सुहागा, जो मूवीज बनती हैं हॉलीवुड के अंदर, जिसके अंदर कॉन्सेप्ट दिखाया जाता है कि कोई एलियन टाइप बंदा है या ह्यूमन लाइक पर्सन है, वो जनाब आया, ह्यूमनाइड जिसे कहते हैं, उसने आके एक बीज बोया और अर्थ के अंदर जो है इंसानियत स्टार्ट होगी, लोग अब कहते लो जी, ये कॉन्सेप्ट्स, ये सारे शक है, क्योंकि एसर्टेन नॉलेज नहीं है। अब जिसने भी ये मूवी बनाई उसके पास कोई नॉलेज नहीं है, जिसे मैंने बताया कि हम लोग कहां से, उसने क्या किया, स्पेक्यूलेट किया, इसको कहते हैं स्पेक्यूलेटिव डाटा। किसी चीज को स्पेकुलेट करते रहो करते रहो करते रहो, अच्छा मुझे फील ऐसे हुआ, अ माइट इज राइट, पावरफुल बंदे हैं तो वो उस चीज को आके एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन अगर कंट्रोल सिस्टम हो तो कभी भी फॉल्स आइडियाज को एग्जीक्यूट किया ही नहीं जाता, वो फर्स्ट पॉइंट पे ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। हम एक अनफॉर्चुनेट एरा में है जहां पे आज मुसलमान की कोई ताकत नहीं है, मगरबी तहजीब को सब मुहरसा इकबाल ने बताया, मगरबी तहजीब के मजे हैं मीठे, फार्माकोपिया उनकी जो फार्माकोलॉजी है उसकी अद्वियात के हैं मजे मीठे, लेकिन अंदरों चंगेज से भी तारीख तर लोग हैं वो। तूने क्या देखा नहीं मगरिब का जमहूरी निजाम, रोशन चेहरा, अंदरों चंगेज से भी तारीख तर। असल में ये पॉइंट है कि हम जो देखते हैं, हम लोग सुपरफिशियल ग्लिटरिंग आउटर अपेयरेंस देखते हैं, लेकिन इंटरनल अंदर के क्या मामला थे वो तो भाई आपको समझते भी आएंगे जब आपका जहन खुला होगा, जब जहन ही कंपाउंडेड हो, जब जहन ही कंजर्वेटिव हो, तो उसने क्या करना, आगे कुछ नहीं करना। फिर सोने पर सुहागा, एक हमारी फील्ड है नॉस्टिसिज्म, इसकी स्पेलिंग होते GNOS, कहीं आप ये ना फिर सर्च करते रहे कि भाई NOS का हमें मिला है कि ये जी साइलेंस है इंग्लिश के उसके ग्रामर के अंदर जो उसके फोनिक्स हैं। ये नॉस्टिसिज्म है, ये भी एक फलसफा है, इसको कहते हैं स्पिरिचुअलिज्म, मतलब ये है कि आपने कहा, और ये बात है एक फितना था जो चर्च से लॉन्च हुआ था, अगर आप कैपिटल जी के साथ सर्च करें नॉस्टिसिज्म, ये वहां से एक आइडियोलॉजी निकली थी कि जो फिजिकल वर्ल्ड है इसके अंदर सब दर्द है, पेन है, लड़ाइयां हैं, जंगे हैं, ग्रीड है, तो स्पिरिचुअल बन जाओ, रहमानिया, बस स्पिरिट्स की बात करो, मिस्टिसिज्म, एक सूफीज्म का ना जो है ना जन्म हो गया कि सूफीज्म, सूफी बन जाओ, सूफी है पश्मीना पोशे हाल मस्त, अजनवाए शोला कव्वाल मस्त, बरनमी साजद बा कुरान महफिलश, बस सूफी दिन रात करो, लो लगाओ लो लगाओ, और हर शय तुम्हारी महफिल में होगी लेकिन कुरान तुम्हारी महफिल में नहीं होगा, ये इसका नतीजा है। मैं ये नहीं कहता,
मैं इसको ये सूफीज्म डिबंक नहीं कर रहा यहां बैठ के सूफीज्म हराम होगी, मैं मेरा ये काम ही नहीं है, मैं ये करता ही नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि एक वन साइड ऑफ द पिक्चर दे रहा हूं कि इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस रिपरकशंस क्रिएट होते हैं। और ये मैं इस्लाम की बात नहीं कर रहा, ये सूफीज्म एक जनरल टर्म है, मतलब अल्लाह से ऐसी लो लगाना, वो बेशक क्रिश्चियन हो, जो भी हो, बुद्धिस्ट हो, कि उसको दुनिया की परवाह कोई नहीं, दुनिया की वो सुन्नत की जो मादे के जो फिजिकल लॉज ऑफ नेचर, उससे उसको कोई परवाह ही नहीं। वो कहता जी मैं मेडिटेट कर रहा हूं, सामने वाला बंदा मरे, फलस्तीन में लोग मरे, बुद्धा जो है उगर के चाइना में लोग मरे, फिर वो जो था म्यांमार जो है बर्मा में, हाँ वहां पे लोग मरे, इट डजंट मैटर टू अस, हमारी एक लो लगी हुई है रब के साथ, और रब के साथ हम उस आसमान पर पहुंचे हुए, एंड दैट इज इट, इट्स कॉल्ड मिस्टिसिज्म। इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, ये एक जो है ना, इंसान कहता है कि जी मावरा अकल बातें हैं, जब मावरा अकल बातें हो जाएंगी तो फिर ये आयत पे क्या आपने आना है, इन्नस समा वल बसरा, इसमें तो अकल की बात हो रही है, इसमें तो आपके इंफॉर्मेटिव डेटा की बात हो रही है, इसमें तो आपके तजर्बे की बात हो रही है, इंड्यूस एनालॉजिकल इंडक्शन टू एनालॉजिकल डिडक्शन हो रहा है, यहां पे अगर आप मिस्टिसिज्म डाल देंगे तो बात ही खत्म, किसी ने क्या वेरीफाई करना है, क्योंकि मिस्टिसिज्म की वेरीफिकेशन है ही नहीं। एक बंदा बैठा वो कहता है मेरी खुदा से लो लगी हुई है, लो लगी हुई है, अच्छा भी लगी है बस, अब क्या करें, क्या उसको क्या प्रूफ है, कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि ही इज ओनली फीलिंग, इज द सेम थिंग, यू आर स्लीपिंग एंड यू आर ड्रीमिंग, यू आर एस्लीप एंड यू आर ड्रीमिंग, एंड व्हेन यू वेक अप आप पूछे कि आपने क्या देखा, भाई मैं ख्वाब देख रहा था, नाउ द थिंग व्हिच ही इज एक्सपीरियंसिंग ही कैन नेवर नेवर रिलेट टू यू, ही कैन नेवर एक्सप्लेन टू यू, एक्सपाउंड टू यू, क्योंकि वो जो फीलिंग वो फील कर रहा था वो ही कर रहा था, और मुझे नहीं पता वो क्या फील कर रहा था, यही जवाब है। अब ख्वाब में तो चलो जस्टिफिकेशन है, वो तो एक नेचर अल्लाह का प्रोसेस सब देखते हैं, लेकिन ये जो मिस्टिसिज्म है, अब इसकी क्या गारंटी है, ये सारी जो चीजें हैं इसके अंदर पे इंसान चलता है। ये एक तो ये प्रॉब्लम जिससे इंसान आंखें फेर लेता हर शय से, मिस्टिसिज्म से छलांग अगर बात छेड़ो तो बात आती है एग्नोस्टिसिज्म, शक आप करते रहो हर चीज के ऊपर, फलानी चीज ऐसी है, फलानी चीज ऐसी है, क्यों है, कैसे है। भाई यही तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि आपने इन चीजों को कैसे, मतलब कहते हैं ना कि टैक्ट करना है, इनको कैसे समझना है कुरान और हदीस के पर्सपेक्टिव से, अपनी बातें नहीं, कुरान और जो है और हदीस के जो आइडियोलॉजी है या इस्लामिक एस्केटोलॉजी है उसके दायरे के अंदर, उसके पैरामीटर्स के अंदर इन चीजों को आपने कैसे समझना है। देखिए अब मैं आपको कुछ बता दूं कि जब इंसान अपनी एक आंख बंद कर देता है जो है इस्लामिक रूहानी, और सिर्फ मादे की आंख खोल लेता है जो आज के फितना दज्जाल है, तो इंसान का नतीजा सबसे पहले आता है वो होता है स्केप्टिक, स्केप्टिक बन जाता है, स्केप्टिसिज्म नाउन है, स्केप्टिक एडजेक्टिव है, और जैसे वो स्केप्टिक बन जाता है तो वो शक करना शुरू करता है, फरिश्ते हैं होंगे, मुझे तो लगता है कि ये लोगों ने तारीख के अंदर कोई ना पॉजिटिव नेगेटिव फोर्सेस का नाम दे बैठे हैं, जिन्नात नेगेटिव है, फरिश्ते पॉजिटिव है, अच्छा ठीक है, कहां से आपने ली ये बात, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फील होता है कि आई फील इट, ठीक है। अब वो जब मैटर को एक्सपाउंड करी जाओ, उसको एलेबोरेट करी जाओ, उसको प्रोसेलिटाइज करी जाओ, तो अब इंसान कुछ लोग हैं जो सोचते हैं जिनके पास प्रायर रूहानी नॉलेज नहीं होता इस्लामिक, क्योंकि आज हमारे यहां इस्लामिक नॉलेज है किसके घर में, हर बंदा तो एक टीवी का गुलाम है, यूट्यूब का गुलाम है, मीडिया का गुलाम है, और फितने के दौर की तरफ जाई जा रहा है, फितने की चीजें देखी जा रहा है, ट्रिवियल चीजें देखी जा रहा है जिसका उसको कोई फायदा ही नहीं। तो जब इंसान इस चीज में सारा दिन रात अपनी मेहनत खपा दे तो उसने फिर इस्लाम की तरफ क्या करना है, उसका तो सीना तंग होता जाएगा, और इसके अंदर सारा मुआशरा जिम्मेदार है, पेरेंट्स जिम्मेदार हैं, मुआशरा जिम्मेदार है, सिस्टम जिम्मेदार है, हुक्मरान जिम्मेदार है कि व्हाई डिडंट दे प्रोवाइड अ टोटल सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम एज एन इंप्लीमेंटेशन, नॉट जनरलाइजेशन स्टेटमेंट्स, नॉट फ्लावरिंग स्टेटमेंट्स, टू इंप्लीमेंट वेयर इज द सिस्टम, the blueprint of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam who laid it to the four guided caliphates, and they proved it and showed to the rest of the world that how should we rule according to the blueprint of Prophet Muhammad, peace be upon him. But unfortunately we have everything, we had everything, but we do not know what to do. We are embarking on a ship
A ship without a course and without a sailor. तो जहां मर्जी ship ले गई, वहां wherever the you know these waves will take you, tides will throw you, you're gonna go there. That's it. A ship without a course and a sailor. तो जब ये position और condition हो जाए तो फिर confusion ही होगी ना, skepticism ही होगा. जब base ही कमजोर हो अंदर से तो उसका तना जो है या उसकी शाख को तोड़ना, तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी. शाखे नाजुक पे जो आशियाना बनेगा ना पायदार होगा. शाख ही नाजुक है तो आशियाना खाक बनना है, कुछ नहीं बनना. पहले अपनी शाखों को स्ट्रांग करो, अपने आइडियोलॉजीज को स्ट्रांग करो, फिर कोई भी चीज तुम्हारे साथ टकराएगी तुम घबराओगे नहीं. सवाल अशकाल हर इंसान के पास आएंगे. हर इंसान के सोचता है, घबराता है, परेशान से पार्ट ऑफ योर फंक्शन, इट्स अ पार्ट ऑफ योर डायनेमिक्स. अल्लाह ने क्रिएट कर दिया आपके अंदर. ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर लाइक दैट. कोई से मावरा ऊपर नहीं, कोई नहीं है. कोई एक्सप्रेस करते हैं, कोई एक्सप्रेस नहीं करते. दैट्स ऑल. स्केप्टिसिज्म, शक शक शक. जब स्केप्टिसिज्म इंसान के साथ बाहर हो जाए तो फिर वो बन जाता है एथियस्ट. एथियस्ट कहते हैं दहड़िए को, मतलब वो कहता है गॉड एंड गॉड्स विद प्लूरल दे डू नॉट एग्जिस्ट एट ऑल. कोई शे एग्जिस्ट नहीं करती. एवरीथिंग हैज बीन देयर फॉर सम काइंड ऑफ मिस्टेरिकल एक्सीडेंट, सम काइंड ऑफ अनएक्सप्लेन्ड एक्सीडेंट. अब इसको क्या करेंगे, अब इसका प्रूफ क्या है? कुछ नहीं. ये एथियस मुझे कह सकते हैं कि आपने जो आयत पढ़ी थी, आपके पास क्या प्रूफ है, आपने क्या तहकीक की, आपका भी तो जवाब देना. तहकीक क्या की? ये मेरा जो वजूद है, जो मुझे अल्लाह ने कहा, सुनना, आंख, दिल, फीलिंग्स, कॉन्शियस लेवल, मेरा अंदर लेवल, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एविडेंट, ये एविडेंस जो मेरे अंदर है, ये मेरी खुद शनासी, खुद निगरी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यही तो प्रूफ है मेरा कि मैं कहां से आया, मेरे किसी ने बनाया है. मेरा सेल्फ एग्जिस्टेंस ही मेरा सबसे बड़ा प्रूफ है. ये मेरा प्रूफ है. अब तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुम्हें किसी ने नहीं बनाया? जबकि तुम देख रहे हो, आईने में जाओ और अपने आप को शेखो, अपनी शक्ल देखो. तुम आईने में खड़े होकर पता तुम कहां से आए. इसका जब जवाब ला दोगे तो फिर हम आगे तहकीक करेंगे. लेकिन जब तक तुम्हारे पास इस चीज का जवाब नहीं है, हमें हॉलीवुड की पिक्चर्स नहीं चाहिए, हमें प्रोमीथियस के आइडियाज नहीं चाहिए. जब तक तुम्हारे पास खुद एक सर्टेन नॉलेज नहीं होगा, तब तक अपनी प्रीचिंग बंद कर दो. तीसरी भी जो, हां, लास्ट एथीइज्म है. अब मैं आपको बताता हूं कि एथीइस्ट्स का प्रॉब्लम क्या है. ये जो एग्नोस्टिसिज्म है ना, तो स्केप्टिसिज्म है, ये तो बीच की शाखें हैं, इनको मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा. स्केप्टिसिज्म बता दे शक, एग्नोस्टिक पर्सन भी शक, और भी शक करता है कि शायद खुदा है शायद नहीं है. और नॉस्टिक्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, एक स्पिरिचुअल है, ये भी इंसान को दूर करता रहता है हर चीज से. अल्लाह से लो लोग दुनिया में बैठे रहो, ये भी गलत. दुनिया को ले जाओ, अल्लाह को भूल जाओ, ये भी गलत. अब बीच में रहने का तरीका क्या है? सबसे पहली बात समझें कि साइंस कहां फेल होती है. साइंस अटरली फेल्ड हो चुकी है कि कोई भी शायद टाइम एंड स्पेस से पहले एक्सप्लेन कर बैठे या उसका कोई इंफॉर्मेशन ला के दे दे. ये सिर्फ कुरान मजीद ने दिया, अल्लाह पाक ने दिया. इल्मुल अरवाह और इल्मुल अब्दान, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक है इल्मुल अब्दान, द नॉलेज ऑफ बॉडी. ये जिस्म है, मादा है, मटीरियलिज्म है, एवरीथिंग हैज बीन काउंटेड इन एटॉमिक पार्टिकल्स, एटॉमिक नंबर्स, एलिमेंट्स. एक तो ये चीजें हैं. अब तो कहते हैं जनाब जो क्वांटम फिजिक्स हो गई है, इतना छोटा कर दो, इतना छोटा कर दो, इतना छोटा कर दो कि उससे भी क्या ज्यादा छोटा होगा. देयर इज नो लिमिट टू दैट. सिमिलरली जायंटिक जायगेंटिक चीजों को आप देखें, कितना जायंट कर लो, कितना जायंट करो, एवरीथिंग हैज बीन इंसर्टेड इनटू दिस मैटर, एम्प्टी स्पेस, डार्क मैटर. अब वो सारी चीजें उसके अंदर एक फिजिकल लॉज ऑफ नेचर से चल रही है अंडर द सिस्टम ऑफ टाइम एंड स्पेस. ये टाइम एंड स्पेस का आगाज कहां से हुआ? बिग बैंग. ये थियोरी है जो कि मोस्ट करेक्ट वर्जन है, करेक्टेड वर्जन है. बिग बैंग हैपेंड और ये कुरान भी सपोर्ट करता है. जब कुरान सपोर्ट करता है, वी हैव नो हेसिटेशन टू एक्सेप्ट. और ये आपको पता है, ये बड़ी फेमस आयत है. अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि ये तुम काफिर जो हो क्यों नहीं यकीन करते, देखते नहीं कि ये पूरा ये अर्थ और आसमान एक साथ जुड़े हुए थे. फवतक ना हुमा.
कानत रत्कन फवतकना हुमा, जोड़ा गया फिर फाड़ा गया और फिर तमाम शिया शिया जो है जी जिंदा रहने वाले उसको पानी से निकाला। बस ये बात हमारे पास एक आ गई है। अब क्वेश्चन कहां पे आता है, ये जितने एथियस्ट हैं ये सारे इकट्ठे हो जाएं और ये आके बताएं कि बिफोर टाइम एंड स्पेस, मतलब कि बिग एंड बैंग से बिफोर क्या था। वो थी वो दुनिया जिसको आलम अरवाह कहते हैं, देयर इज नो टाइम एंड स्पेस, कुन फयकून, अल्लाह ने कहो और हो जाए, ये है खल्क तकवीन। और फिर उसके बाद वो कन्वर्ट होती है खल्क तदबीर, जिसके अंदर टाइम एंड स्पेस इन्वॉल्व है। बच्चा है उसको पैदा होना है ना, जेस्टेशन पीरियड, 9 जेस्टेशन पीरियड वो गुजारेगा तो बच्चा होगा। पहले पैदा हो जाएगा वो अनकैनी होगा, डिफॉर्म्ड होगा, मर जाएगा, उसके एक फिजिकल उसकी जो बॉडी के अंदर जो सेल्स है वो नहीं सही तरह से डेवलप होंगे। एंड जब सेल्स और डीएनए स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, एंड देन श्योरली ही विल डाई, क्योंकि उसकी नॉर्मल बर्थ नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है ये खल्क तदबीर है, जिसके अंदर टाइम प्रोसेस है। यू हैव टू गो फ्रॉम वन डिस्टेंस टू अनदर, इवन यू फॉलो द डिस्प्लेसमेंट मेथड, उस पर टाइम रिक्वायर्ड है, या आप उड़ के नहीं जा सकते। लेकिन जब अल्लाह ताला खलके तकवीन करता है खलके तदबीर में, तो उसमें टाइम स्पेस नहीं है। कुन फयकून, एक चीज हो तो हो जाएगी, बेशक वो दुनिया में हो, उसको कहते हैं मौजजात, अल्लाह के मौजजात, मतलब समथिंग टू बाईपास फ्रॉम द फिजिकल लॉज ऑफ नेचर। मूसा अलैहि सलाम ने आसा मारा, रेड सी ऐसे हो गया, किस तरह हुआ? ये अल्लाह का जो ऐसा कानून है जिसको खलके तकवीन कहते हैं, वो अल्लाह अपनी मर्जी से अपने नबियों पे डालता है और खुद चाहे तो कर लेता है। ये असल में सारी बात होती है, इसको समझें। लेकिन नॉर्मल लॉज ऑफ फिजिकल लॉज ऑफ नेचर में हर बंदा जो है वो बाउंड है, एंड ही हैज टू फॉलो। इफ यू वॉन्ट टू गो समवेयर, यू नीड टू वॉक, और यू नीड टू टेक अ कार फॉर अ राइड, और यू नीड अ प्लेन टू गो, बट यू कैनॉट जस्ट सिट देयर एंड जस्ट गो देयर। ये अल्लाह के कवानीन है जो अल्लाह ने दुनिया में कर दिए। तभी ईसा इब्ने मरियम जब आएंगे, तो जब आएंगे तो फरिश्ते से आएंगे, वो खल्के तकवीन कह लें या वो फिजिकल लॉज ऑफ नेचर की खास खसूसियात हैं इल्म अल अरवाह से, और वो जैसे उतरेंगे तो वो सीढ़ी रख के जो भी रख के फिजिकल लॉज ऑफ नेचर को फॉलो करके नीचे उतरेंगे, वो सुन्नत है नबियों की। तो अब देखें, एथियस्ट फंसता है अगर आप ये बात समझ लें कि बिग बैंग से पहले क्या था, तो यहां पर सारी खेल एथियज्म की खत्म हो जाएगी। ये सिर्फ बातें कर सकते हैं किसने किसको बनाया, ओ भाई छोड़ो बिग बैंग किसने बनाया और बिग बैंग से पहले क्या था उसकी इंफॉर्मेशन हमें लाकर दो, वो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, उसको आलम अरवाह कहते हैं, जहां पे कोई टाइम एंड स्पेस नहीं, जहां पे अल्लाह का कुन फयकून का फलसफा चलता है। बस दुनिया बन गई, फिजिकल लॉज ऑफ नेचर आ गए, अब कवानीन हो गए, हर सोलर सिस्टम, हर गैलेक्सी, हर स्टार जिसके पास हर चीज रोटेट करती है, गैलेक्टिकल पाथ, इन सब के अपनी एक ग्रेविटेशनल पुल है, अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो फोर्स उस चीज के ऊपर वेरिएट करती है। अल्लाह ने हमें जिस दुनिया में डाला, जिस अर्थ जिसको अल अर्थ बोलते हैं, ये हमें अल्लाह ने ऐसी जगह पे रखा है जिसको सूरह रहमान में फरमाया वस्समा रफअ वबदअ मीज़ान, और पूरी कॉस्मोलॉजी कॉस्मोलॉजिकल कॉस्मिक बैलेंस में हमने सारे मीज़ान मतलब खड़ा कर दिया। अल्लाह ने हर शय कॉस्मिक बैलेंस में खड़ी की दिया, ना इत ग्रेविटेशनल पुल लूज होगी ना उसको पुल होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस ये ऐसे बैलेंस में चल रही हैं कि हर चीज जो है वो स्विम कर रही है अपने ऑर्बिटल पाथ में। ये सिस्टम हर जगह पे कायनात में मौजूद है, और क्या है क्या नहीं हमें नहीं पता, ये तमाम सिस्टम फिजिकल लॉज ऑफ नेचर के बाउंड है। लेकिन इससे पीछे क्या था बताओ हमें आके एथियस्ट सारे, हमें जिस दिन तुम बता दोगे उस दिन हम तुम्हारी बात सुनेंगे, उससे पहले अल्लाह का कुन फयकून था। इस नॉलेज से आप लोग जो हैं बिल्कुल गाफिल हैं, और ये हमारे नबी ने फरमा दिया स्पिरिचुअल एंड फिजिकल दोनों आंखें खुलेंगी, फितना दज्जाल को समझोगे, एक आंख खोल लोगे यक तरफा आंख जो मादे की होगी तो वो सिर्फ दज्जाल होगी, और अगर एक दूसरी आंख बन करके रहबानिया सिर्फ स्पिरिचुअलिज्म सिर्फ ये जो है क्या नाम है नॉस्टिसिज्म में घुस जाओगे तो आप सेल्फिश ऑस्टेरिटी ग्रीड में मर जाओगे, आपको पता ही नहीं कोई अगला बंदा क्या कर रहा क्या नहीं। दुनिया में आए हो तो दुनिया में भी करना है और आखिरत के लिए भी तैयारी करनी है। दिस इज द बैटल, दिस इज द जिहाद, जिहद यू हैव टू डू फॉर बोथ ऑफ द वर्ल्ड्स।
यह नहीं कि इस वर्ल्ड के अंदर आंखें बंद करो, आखिरत के बैठे रहो, दुनिया में मरे मरे लोग कुछ नहीं, भाड़ में जाएं सारे, या फिर दुनिया में मादा प्रस्त हो जाओ, आखिरत के बारे में सोचना बंद कर दो और हैवान निरे हैवान बन जाओ। ये ना करो कि माँ और बहन में कोई फर्क ही नहीं है, क्योंकि हम तो मानते नहीं, ये तो सारे जो है सब्जेक्टिव मोरालिटीज हैं या फिर ऑब्जेक्टिव मोरालिटीज हैं, हमने तो ये खुद बनाना है, हमें पास कोई ऑब्जेक्टिव मोरालिटी नहीं है। ये सारी बातें जो फलसफे, ये जो एथियस्टिक कॉन्सेप्ट्स हैं क्रिटिकल, ये सारी बकवासात में आपको घुमा घुमा के असल मुद्दे पे नहीं लाएंगे। बताओ, ये कहते हैं हु क्रिएटेड गॉड, मैं कहता हूं हु क्रिएटेड यू। फर्स्ट टॉक अबाउट योर सेल्फ, फर्स्ट ब्रिंग द आंसर हु क्रिएटेड यू, देन वी विल डिस्कस हु क्रिएटेड अल्लाह। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।